Hello everyone, my name is Pavan Sharma and friends, I welcome you all to my channel Voodoo Stock Trainings. And guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में। निफ्टी का जो ऑप्शन चेन होता है हम उसको एनालाइज करेंगे और हमारा जो टारगेट डेट रहेगा वो रहेगा 27 फरवरी, जो कि रहेगा करंट मंथ की एक्सपायरी वाला और वीक भी कह सकते हैं कि लास्ट वीक पे हम खड़े हैं। इस ऑप्शन चेन के एनालिसिस से हम जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी का नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है। ओके, तो चलिए बात करते हैं। उसके लिए पहले एक छोटा सा निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये चार्ट आपको कई बार मेरे जो बाकी वीडियोस में, डेली वीडियोस में भी देखने को मिला होगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें एक जो ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यूअस, पहले इसने सपोर्ट का काम किया, फिर इसी ने रेसिस्टेंस का काम किया, फिर वापस सपोर्ट बना, फिर वापस सपोर्ट बना। अब यही ट्रेंड लाइन हमारा रेसिस्टेंस भी बन रहा है। तो और उसके बाद देखिए, ये आप क्रॉस हेयर देखेंगे तो क्रॉस हेयर में यहाँ पे 12,150 का एक आपको रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर नीचे की तरफ आते हैं तो ये आपके पास 12,050 से लेके 12,040 भी कह सकते हैं, ये हमारे पास एक सपोर्ट मिल के आ रहा है। तो चार्ट के बेसिस पे हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देता हूँ। एक ये हो गया और दूसरा एक और प्लॉट कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो जो अपर लाइन है वो रेसिस्टेंस है जो कि प्लेस किया गया है 12,150 के अराउंड, और जो बॉटम लाइन है वो सपोर्ट है, उसको प्लेस किया गया है सम अराउंड 12,050 के अराउंड, प्लस माइनस 5-7 पॉइंट्स का मत देखिए, वो अराउंड होता है, विच मीन्स एक जनरल जो राउंड फिगर होती है उसको हम मान के चलते हैं, इसीलिए उसको यहाँ प्लेस किया गया। तो अगर चार्ट के बेसिस पर देखने की कोशिश करें तो हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ गया, लेकिन चार्ट के बेसिस पे इंडेक्सेस आधा अधूरा काम करते हैं, उसके लिए उनको एक्स्ट्रा डेटा को भी एनालाइज करना पड़ता है। तो उसके लिए हम बात करेंगे अब ऑप्शन चेन की। तो चलिए, ऑप्शन चेन मैंने आपके लिए निकाल के रखा हुआ है, ये हमारे पास ऑप्शन चेन है। इसमें अब निफ्टी कहाँ एक्सपायर हुआ है ये देखते हैं, सॉरी एक्सपायर करूँ, क्लोजिंग, ये हमारा क्लोजिंग है, लास्ट क्लोजिंग हमारा 12,080 पे है, ठीक है। उसके बाद आपने जब ऑप्शन चेन नोटिस करते हैं तो आपको ये दिखेगा, एक कॉल सेक्शन मिलेगा, ये पुट सेक्शन मिलेगा। कॉल सेक्शन को हमेशा रेसिस्टेंस की तरह यूज़ किया जाता है। अगर आप ऑप्शन चेन की बात करेंगे, ठीक है, तो कॉल सेक्शन को आप रेसिस्टेंस के लिए यूज़ करेंगे और पुट सेक्शन को आप सपोर्ट के लिए यूज़ करेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात यह हो गया कि जब हम इसको बात करेंगे तो ये हमारा जो, अब हम बात कर रहे थे 12,150 का ना, तो अब ये चेक करेंगे 12,150 का क्या रेसिस्टेंस हम फेस करेंगे, और इसमें हमारे पास क्या था 12,050 का, तो इसमें चेक करेंगे कहाँ पे हमारे पास सपोर्ट मिल के आएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये ऑप्शन चेन और चेंज इन ओवाई, ये एक मेजर कंपोनेंट होता है ऑप्शन चेन का, यहाँ पे इधर इधर, तो ये दो कंपोनेंट जहाँ पे ओवाई और चेंज इन ओवाई कॉल की तरफ, ओवाई और चेंज इन ओवाई पुट की तरफ, दोनों को हम जानेंगे। तो इसके लिए हम दूसरा एक और ऑप्शन चेन को पुल कर लेता हूं सॉरी ये वाला। तो आपने नोटिस किया होगा कि ये जो है येलो सेक्शन होता है, इस येलो सेक्शन को बोला जाता है इन द मनी, ITM, इन द मनी, और जो ये वाइट सेक्शन होता है ये OTM होता है, आउट ऑफ मनी, ठीक है। और इसके बीच में जो आपका आएगा 100 से 50 के बीच में, ये बन जाएगा हमारा ATM, एट द मनी। तो जब भी आप ऑप्शन चेन को एनालाइज करेंगे तो आप ATM पे आके उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। पहले शुरुआत यहाँ से किया जाता है आपके ऑप्शन चेन की। तो जब आप शुरुआत यहाँ से करेंगे तो आपको ये समझना है कि आपको सपोर्ट के बारे में जानना है तो आप राइट साइड में जाएंगे, रेसिस्टेंस के बारे में जानना है तो लेफ्ट साइड पर जाएंगे, ठीक है। कैसे जानना है, आपको ये देखना है कि मैक्सिमम कॉल राइटिंग, सॉरी मैक्सिमम जो क्यूमुलेटिव ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट बना हुआ कहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद फॉलोड बाय, ये हो गया 1, फॉलोड बाय हेयर 2, फॉलोड बाय हेयर 3, ठीक है। तो ये हम सपोर्ट के बारे में जानेंगे। उसके बाद आप इसको 4 यहाँ भी कह सकते हैं, राइट। सिमिलरली अगर आपको रेसिस्टेंस के बारे में जानना है तो मैक्सिमम कॉल राइटिंग कहाँ हुआ है, मैसिव क्यूमुलेटिव वाला, तो ये हो गया 1, फिर उसके बाद हमारे पास है 2, फिर ये हो गया 3 और समवेयर अराउंड 4, 5 ओके, और यहाँ पे हमारे पास फिर ये 6 बन के आ जाएगा, राइट। सो ये आपने चेक कर लिया, यहाँ भी है, अच्छा है, लेकिन 11 लाख है, यहाँ 14 लाख है, राइट। तो आपने चेक किया कि ये कौन कौन से लेवल्स के ऊपर, कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे मैक्सिमम क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट बना है। ये रेसिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ ये देखना है कि जब आप लेफ्ट साइड में आएंगे तो लेफ्ट साइड क्या बता रहा है, लेफ्ट साइड आपको बता रहा है सपोर्ट। यहाँ पे देखिए कितना ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है, ओनली 1,83,000 और क्यूमुलेटिव भी 4,86,000, जो कि ना के बराबर है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है व्हेन वी टॉक अबाउट निफ्टी। ये स्टॉक में तो बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी में तो बहुत छोटा नंबर है। यहाँ देखिए 39 लाख, यहाँ देखिए 4 लाख, विच मीन्स वीक सपोर्ट। यहाँ फिर भी मैं बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे अनवाइंडिंग हुआ है 20 लाख का, सॉरी 2 लाख का, 20,06,000, 20 लाख का अनवाइंडिंग हुआ है 39 लाख में से, राइट। तो देखिए इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास काफ़ी अनवाइंडिंग का मतलब है कि अब पुट राइटर जो हैं उनको लग रहा है मार्केट में जो है तेजी नहीं रहेगी, तभी तो यहाँ पे उन्होंने अनवाइंड किया। और सपोर्ट भी देखिए कहाँ निकल के आ रहा है, 12,000 के आसपास, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं, जो ये इन द मनी है, इन द मनी पे आते हैं। देखिए 11 लाख ना के बराबर, 11 लाख क्या, सॉरी 11,000 क्या होता है निफ्टी में, कुछ भी नहीं। 11,000 तो बहुत सारे ट्रेडर खुद ही ले डालते हैं, कुछ नहीं, बहुत छोटा वैल्यू है। यहाँ देखिए 1,58,000, कुछ भी नहीं। कंप्लीट ओपन इंटरेस्ट भी 4th प्लेस पे आ रहा है यहाँ पे, तो विच मीन्स वीक सपोर्ट बनता जा रहा है। इसके बाद में अगर हम सेकेंड पे आते हैं तो 11,900 का हमारे पास सेकंड वो लेवल आता है जहां हमारे पास सेकंड सपोर्ट निकल के आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट है और ये हमारा सेकंड सपोर्ट है। तो ये मान के चलें कि इस एक्सपायरी पे अगर 12,000 को ब्रेक कर देती है निफ्टी तो वो जाएगा 11,900 के आसपास, ठीक है। और अगर उसने 900 को ब्रेक कर दिया तो उसके बाद सीधा हमारे पास 800 है और उसके बाद हमारे पास 700, मीन्स 100 रुपीज के आसपास में हर बार फॉल होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ज़्यादा नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी कम है, पुट राइटिंग देखिए कहाँ पे हो रही है, 4,15,000 यहाँ पुट राइटिंग हुआ है, यहाँ हुआ है 3,35,000, ठीक है, 4 लाख, 3 लाख, यहाँ पे भी वापस हुआ है 4,28,000। तो विच मीन्स नीचे जो लेवल्स हैं, जो नीचे के लेवल्स हैं उनके ऊपर पुट राइटिंग ज़्यादा होती जा रही है। इसका ये मतलब होता है कि मार्केट स्लाइड करके यहीं पे सपोर्ट लेगी। तो आपका पहला ये हो गया, फिर सेकंड हो गया, थर्ड और फोर्थ। तो मार्केट अगर गिरेगी तो इन्हीं लेवल्स के ऊपर सपोर्ट लेती जाएगी। अगर आपने के पास कोई पोजीशन है या आप पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो आपको यहाँ पे ये हेल्प करेगा कि आपको कहाँ पे अपने प्रॉफिट बुक करने हैं और कहाँ के बाद आपको अपने सेकेंड लेवल के लिए रेडी हो जाना है, अगर इफ इन केस इट्स फॉलिंग डाउन फर्दर, ठीक है। तो सपोर्ट की बात हो गई, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 12,000। तो अगर मान के चलें कि एक्सपायरी पे 12,000 एक बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा निफ्टी को होल्ड करने का। निफ्टी के होल्ड करने के बाद में हम ये मान के चलते हैं कि चलो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी रही भी तो 11,900 पे आके वो क्लोज कर देना चाहिए इस एक्सपायरी पे, दैट हैज़ टू बी एंड ऑफ इट। लेकिन एरिया ऑफ कंसर्न तब शुरू हो जाएगा कि किसी वजह से 11,900 ब्रेक हो गया तो तेजी के साथ 11,700 तक नीचे जा सकता है, फिर उसको फॉल को रोक पाना जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है 12,000 और 11,900 के बीच में। अब बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब रेसिस्टेंस की बात हो रही है तो रेसिस्टेंस में देखिए पहला रेसिस्टेंस आ रहा है हमारे पास 12,200 का, जिसमें 34,46,000 का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, या उसको कंसोलिडेटेड ओपन इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। और उसमें जो आप देखिए कॉल राइटिंग कितना हुआ है, 13 लाख का कॉल राइटिंग हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कॉल राइटिंग ज़्यादा नहीं हुआ है, 7 लाख 8 लाख का कॉल राइटिंग हुआ है, लेकिन यहाँ पे 13 लाख का कॉल हुआ है, ऑलमोस्ट डबल ऑफ दिस 150, विच मीन्स दैट ये रेंज बन गई हमारी जो स्ट्रॉन्ग रेंज है, ठीक है, कि इसके बीच में मार्केट एक्सपायर करना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर देखिए यहां भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहां भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहां भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो मतलब हर लेवल पर रेजिस्टेंस ज्यादा होता जा रहा है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ सपोर्ट कम होता जा रहा है, ठीक है। 12,000 के बाद सपोर्ट कम हो गया है। यहाँ देखिए कॉल राइटिंग ज़्यादा नहीं हुआ, सिर्फ 99,000। यहाँ देखिए कॉल राइटिंग ज़्यादा नहीं हुआ, जस्ट 36,000, 15,000। मीन्स नीचे के एरिया में हमारे पास गिरने के चांस ज़्यादा दिख रहे हैं, ऊपर जाने के चांस कम दिख रहे हैं। लेकिन नीचे के चांस भी कब होंगे, जब 12,000 को ब्रेक करेगा। तो अभी हमारे पास अगर कोई मूवमेंट आती है तो 100 के, मैं भी कहूँगा 150 के ऊपर अगर बड़ी मूवमेंट आएगी ज़्यादा, लेकिन बड़ी मूवमेंट कहाँ तक, 12,200 तक। उसके ऊपर फिर हर्डल है, फिर हर्डल है, फिर हर्डल है। तो याद रखिएगा ये एक्सपायरी हमारी इस रेंज में एक्सपायर करेगी तो ठीक है, लेकिन इसके नीचे गिरा तो हमारे पास ये रेंज बनेगी। तो ये फर्स्ट रेंज है हमारी और ये सेकंड रेंज है। इसके ऊपर पॉसिबिलिटी बहुत कम है, शायद ये कहा जाए कि इस एक्सपायरी पे निफ्टी 12,200 को ब्रेक नहीं करेगा, तो डेटा के बेसिस पे गलत नहीं होगा। तो जब आप ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं तो आपको एक एक लेवल्स पे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। एक और चीज़ देख लेते हैं, इफ इन केस आई कैन शो यू दैट ऑल्सो। यहाँ नहीं है, वेट, ऑप्शन चेन को मैं यहाँ लेके आया हूँ और आपको देखें कहाँ पे आ रहा है। देखिए पुट पे बायर ज़्यादा वो हैं, पुट पे बायर ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं, मीन्स उनको लग रहा है कि पुट साइड ज़्यादा लेंगे। लेकिन बड़ा डिफरेंस नहीं है, 8,54,000 है, 8,39,000 है, बट फिर भी अगर दोनों को वो कंपेयर किया जाए फिर भी पुट की तरफ ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि पुट की तरफ ज़्यादा लोग देख रहे हैं मार्केट को नीचे गिरते हुए, ठीक है। ट्रेडिंग पुट कॉल्स पे, पुट के ऑप्शंस पे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रहा है। तो आप अगर वॉल्यूम को चेक करेंगे तो वॉल्यूम से भी आपको कई बार पता चल जाता है कि मार्केट कहाँ पे ज़्यादा ट्रेड कर सकता है, ठीक है, किस तरफ हमारा जो है ट्रेंड बन रहा है। आप वॉल्यूम को, ये वॉल्यूम है तो आप वॉल्यूम को देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अंदाज़ा 100% नहीं होता, ये बेंचमार्क नहीं है, नॉट अ बेंचमार्क, ओके, ये बेंचमार्क नहीं है, सिर्फ आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है जो आप अपने ट्रेडिंग सेटअप में यूज़ करते हैं, ओके। तो इस वक्त पुट ट्रेड ज़्यादा किया जा रहा है, जो कि ऊपर हमने देखा भी, कॉल ट्रेड कम किया जा रहा है। तो इसलिए मैंने बार बार कह रहा हूँ कि मार्केट के ऊपर जाने के चांस कम दिख रहे हैं, नीचे जाने के चांस ज़्यादा दिख रहे हैं। लेकिन 12,000 एक हर्डल है, उसका ध्यान रखिएगा। 12,000 ब्रेक होगा तभी आप उसके ऊपर अपना नेगेटिविटी या कह सकते हैं कि पुट ऑप्शंस आपको ज़्यादा पैसा देना शुरू करेंगे, ओके। तो होप दिस मेक्स इट वेरी क्लियर कि आपको अभी बाय पोजीशन में नहीं जाना है। अगर आपके पास कॉल है तो हो सके तो उसको अपने प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में यूज़ कीजिएगा और एग्जिट कर लीजिएगा। अगर वो किसी वजह से भी 12,100, 12,050 या 12,000 को ब्रेक करेगा तो एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद वो रुकेगा नहीं, फिर बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा, ओके। और अगर आपके पास पुट हैं तो होल्ड कीजिएगा टिल द टाइम इट इज़ बिलो 12,100। उसके ऊपर जाता है, 12,150 के ऊपर जाता है तो एग्जिट आप वहाँ कर लीजिएगा, ओके। सो दैट्स अबाउट द ऑप्शन चेन एनालिसिस गाइस। ऑप्शन चेन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, जैसे हमने जाना। तो आने वाले वीक्स को भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट इट गाइज। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका निकल के आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ देम, ओके। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई विल सी यू इन टू माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।